बोला मशीन चलाओ, ये वाला हाथ चला गया मेरा दोबारा में। इसने मालिक मुझे लिखाने के लिए अपने चमचे तैयार कर दिए। इसने लड़ना झगड़ना पूरी तरह से कंपनी में चालू हो गया। मैं जाती थी, रोती थी, भारी भारी काम कराता, गाड़ी उतरवाना, सीट उतरवाना, काम करवाना, जैसे मर्जी में करती रहती थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी। घर वाला भी चला गया लड़ा झगड़ा करके, कंपनी से भी पैसा देना बंद कर दिया। चार बच्चे, घर का गुजारा नहीं हुआ, किराए पे रहती थी सर। सर्दियों का टाइम था, 10 साल की लड़की है मेरी, उसको लेके झाड़ू पोछा कराता गुजर के घर में। पन्नी बांध लेती थी हाथ पे, कपड़े धोने, बर्तन धोने, पोछा लगाना। मेरे घर में 6-6 दिन खाना नहीं बना था मेरा हाथ कटने के बाद। के पास आई हूँ इसी उम्मीद के लिए, सर अगर आपकी मदद हो जाए तो जिंदगी कट जाएगी, कैंसिल बन जा करेगी। सर हिम्मत से लड़ूंगी मैं, मैंने सोच रहा और ना ड्यूटी छोड़ूंगी। अगर वो ढक्के मार के भी निकालेगा ना, उसका प्रूफ मेरे पास है। सर मेरी यही उम्मीद है आपसे, और कोई उम्मीद नहीं है, कि परमानेंट महिलाओं को कर दीजिए। आपके साथ हम हमेशा ठाड़े रहेंगे हर लड़ाई के लिए, पर हमारा यही काम है, करवा दीजिए बस। हम ये नहीं चाहते कि वो हमें 5,000 दे, हमें 500 कम दे दे।